Assalamu alaikum everyone, good morning. So today in this vlog I will show you about the जो भी हमारे different hospital में postings होती हैं, तो उसका थोड़ा सा vlog मैं आपको दिखाऊंगी and थोड़े से instruments हम देखेंगे. So first of all यहाँ पे अभी time हुआ है 8:30, ठीक है. तो हम जा रहे हैं पोस्टिंग के लिए. जो भी हमारी पोस्टिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप वाइज होती है, तो आज हमारी पोस्टिंग है वहाँ पे हम जा रहे हैं. अब यहाँ पे हम आ चुके हैं गाइस. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहती हूँ व्लॉग में. तो हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का जो मशीन है वो देखते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ माय फ्रेंड अंकिता और वो आपको ये बता रही है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. यहाँ पे है ये एक मर्क्यूरी होता है, तो अगर हम एयर फिलअप करते हैं तो वो ऊपर और नीचे होता है, जो हमें ब्लड प्रेशर का जो भी रीडिंग है वो बताता है. ये है प्रेशर नोब जिसमें हम एयर फिलअप करते हैं, और यहाँ पर एक नोब है जिससे कि हम डिफ्लेट और इन्फ्लेट करते हैं वाल्व को. उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है वो ट्यूब है जिसे हम प्लेस करते हैं क्यूबॉइडल फोसा के पास, और ये ब्लू कलर जो है वो प्रेशर आर्म कफ है, ठीक है. हम उस आर्म पर प्लेस करते हैं, और यहाँ पे जो है एक लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म आती है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट रिमूव ऑल द एसेसरीज जो भी आपने पहनी है, ओके. सो आई रिमूव एंड यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे पीपी मेजरमेंट की टेक्निक जिसे हम बोलते हैं पाल्पेटरी मेथड. तो बेसिकली जो मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू में दूंगी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की जो भी मेथड आती है उसका. तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में जो फर्स्ट मेथड है पाल्पेटरी मेथड, जिसमें हम स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते. हमें सिर्फ जो है ये आर्म कफ और ट्यूबिंग इस तरह से प्लेस करनी है एट द क्यूबॉइडल फोसा, ठीक है. और उसके बाद रेडियल पल्स फील करना है विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स, ठीक है. और उसके बाद हमें धीरे धीरे जो है ये बीपी का मशीन है उसे अनलॉक करना है और इस तरह से एयर फिलअप करनी है, एंड उसे हमें ले जाना है 140 तक, ठीक है. अब पाल्पेटरी मेथड जो है इट इज़ वन ऑफ द मेथड जिसमें हम ओनली जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो एट द पॉइंट वेर यू हियर द साउंड अगेन, सो दैट इज़ व्हाट आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नाउ वी स्विच ओवर टू द अनदर मैथड, ओके. तो जिसमें हम स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करते हैं, तो ये मैं मेरी फ्रेंड पे जिस प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जिसे हम बोलते हैं ऑस्कल्टेटरी मैथड, ठीक है. इन दैट व्हाट वी हैव टू डू इज स्टेथोस्कोप लेना है हमें, और जो प्लेस करना है हमें दो ट्यूबिंग जो है उसके बीच में एट द लेवल ऑफ क्यूबॉइडल फोसा, और इस तरह से प्रेशर कफ जो है ब्लू कलर का आर्म कफ जो है वो आर्म पर हमें प्लेस करना है. उसके बाद हमें अनलॉकिंग करके धीरे धीरे एयर फिलअप करनी है और 140 तक ले जाना है, ठीक है. हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तो एट द वन पॉइंट हमें जो है जो पल्स है वो अगेन सुनाई देगी, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड. और उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तो एट द पॉइंट अप टू 80 या 84, ठीक है, या 78, ठीक है. एट दैट पॉइंट अगर हमें साउंड बंद हो जाएगा दैट इज़ अवर डायस्टोलिक प्रेशर. और दूसरी एक आती है थर्ड मेथड जिसे हम ऑसिलेटरी मेथड कहते हैं, वो भी हमने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है. तो इंशाल्लाह मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सो आई विल शो दैट मेथड आल्सो. तो ये थी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की टेक्निक जो है फर्स्ट पाल्पेटरी मेथड से. हमें पहले कंफर्म करना होता है, थोड़ा आइडिया मिलता है हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का. उसके बाद हमें ऑस्कल्टेटरी मेथड करनी है विद द यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप, एंड उसमें हम दोनों ही ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक बोथ. अब नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो सिस्टोलिक 120 एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है नॉर्मल दैट इज़ 80 mm ऑफ HG, दैट इज़ व्हाट mm ऑफ मर्क्यूरी. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो मैंने आज के ब्लॉग में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए. देखिए यहाँ पे जो मर्क्यूरी है इस तरह से हमें ले जानी होती है, ठीक है, 140 तक या 180 तक भी ले जाते हैं, ठीक है. और ये जो है प्रेशर बल्ब है जिसमें हम प्रेशर फिलअप करते हैं. सो होप गाइज यू लाइक दिस, ठीक है. चल अब मैं दिखाती हूँ. सो अब हम जा रहे हैं ब्रेक के लिए, ठीक है. और उसके बाद हमने थोड़े से पेशेंट देखे जो भी ICU में थे, ठीक है, या फिर जिसकी जो डिलीवरी हुई थी वो सारे पेशेंट हमने देखे. एक जो पेशेंट था उसकी किडनी में स्टोन थी, तो वो पेशेंट हमने देखा. सो अब हम आ गए हैं फाइनली इन कॉलेज. तो 2 to 4 हमारे लेक्चर्स हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू ऑल. बाय बाय. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ.